इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात राज्य से आ रही है। गुजरात राज्य में भारी तबाही देखने को मिल रही है। भीषण बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। 15 जुलाई तक मौसम विभाग ने और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में गुजरात में बचने की उम्मीद ना के बराबर हो गई है। आपको बता दें 300 बांध पूरी तरह भर चुके हैं, जिनमें 18 बांध टूटने के कगार पर हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें कहां गायब होगी किसी को कुछ अता पता नहीं। पिछले दिनों में भारी बारिश की वजह से अब तक 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूर और डांग, तापी, नवसारी, वलसाड़ में भीषण बाढ़ आ चुकी है। यहाँ पर लोग जलमग्न से बेहद ही परेशान हैं। कमरों में पानी भर चुका है, रहने के लिए छतों पर ही सोना पड़ रहा है। आपको बता दें गांव गांव से संपर्क टूट चुका है। इतनी भीषण बारिश गुजरात राज्य में देखने को मिल रही है। एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीमें लगातार भीषण कार्य कर रही हैं। करीब 24 घंटे में से 20-20 घंटे उनको कार्य करना पड़ रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ रहा है। ऐसी भयानक बारिश गुजरात में आज तक नहीं देखी गई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सौराष्ट्र में भीषण बारिश और बाढ़ की आने की वजह से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र बोडेली में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत भी की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। मौसम विभाग ने 24 घंटे राज्य में भारी बारिश की और चेतावनी जारी कर दी है। इससे लोगों का जो सांस है वो टूट चुका है। गुजरात में इतनी भयानक बारिश आज तक ना देखी गई है और अब तो यहाँ पर पूरे गांव, लगभग 300 से अधिक गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है, बांध टूट रहे हैं। ऐसे में स्थिति बेहद खराब हो